हेलो दोस्तों, आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद फैब्रिकेशन के साथ। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बताना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर एक पाइप है और यहां पर एक तीखा पाइप है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी कभी हमें जैसे कि पाइप को जैसे तीखा मतलब जोड़ना पड़ता है किसी भी डिग्री में, तो दोस्तों हम जैसे कि इस पाइप को इसका डिग्री करेक्ट कैसे काट के इसमें मिलाएंगे, इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मिलाने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहां पर देखिए, ये जो है पौना इंच की पटरी है, एक कैंची है, यहां पर जैसे वेल्डिंग का रॉड है, और इसके बाद जैसे एक स्केच है, एक सादा कागज है, और एक जैसे हमारे पास मार्कर है। तो दोस्तों इन्हीं सभी के माध्यम से जो है कि मैं आपको जैसे कि यहाँ पर मिला करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे ग्राइंडर से कटिंग करने के लिए मैंने एक ग्राइंडर ले रखा है। तो दोस्तों इसकी डिग्री कैसे मिलाई जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब इस डिग्री को मिलाने के लिए मैंने पहले से ही मतलब एक पुराना लोहा ले रखा है, जैसे इसमें जो है कि थोड़ा सा क्रॉस कटिंग था। तो आज मैं इसी के माध्यम से समझाऊंगा जो आप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर इसे आप समझ गए तो आप किसी भी प्रकार के डिग्री को आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है कि मान लीजिए हमें डिग्री निकालना है, तो इसको हम पाइप खूब अच्छी तरह से चिपकाएंगे और इस पाइप को भी हम जैसे यहां पर खूब अच्छी तरह से चिपका लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी डिग्री निकालनी है और हम ये चाहते हैं कि हम इसकी कटिंग ऐसे करें कि ये जैसे अच्छी तरह से इसमें जाके चिपक जाए। तो उसके लिए अब क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले ये जो वेल्डिंग रॉड है मेरे पास, आप कुछ भी ले सकते हैं मार्किंग के लिए, उसे हम क्या करेंगे कि सिंपली इस पाइप की इधर अच्छी तरह से रख करके इसे यहाँ पर मिलाएंगे, सटाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि कहीं इधर या फिर उधर ना सटे, मतलब एकदम सीधा अपने जाने भर में मतलब इसे एकदम सीधा यहाँ पर ले जाएं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे इसको चिपका दें, चिपका कर सिंपली पकड़ लें। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि इसके जैसे जैसे इस ओर मार्किंग मार लेनी है। यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से चिपक गया इस ओर, तो अब आपको क्या करना है कि अब इस ओर अच्छी तरह से यहाँ पर मार्किंग मार लेनी है, जैसा कि मैं आपको अभी मार के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने मार्किंग मार लिया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा गाढ़ा इसकी मार्किंग को कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने इसे मार्किंग मार लिया है। अब दोस्तों दूसरा काम क्या करना है कि ये जो कागज का टुकड़ा है उसमें सबसे पहले जो है कि ये जो मार्किंग मारा है इसकी मोटाई के अनुसार ही मतलब इसको काटना है, मतलब इसको काटना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इस कागज के टुकड़े को कुछ इस प्रकार से लगा करके पहले दो मार्किंग मार लेंगे, इसके बाद काटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा करके एक मार्किंग यहाँ पर मार लेता हूँ, यहाँ पर आ रहा है, और एक मार्किंग कहीं इधर मार लेता हूँ ताकि जो है कि अच्छी तरह से मिलान हो सके, तभी तो हम इसे अच्छी तरह काट पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये मार्किंग मार लिया। ठीक दोस्तों, अब ये मार्किंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पटरी को, पौना इंची की पटरी को यहाँ पर रख करके अच्छी तरह से थोड़ा सा हम जैसे एक मार्किंग मतलब मार लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कट सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया, अब जो है कि मैं इसे एक स्केच से मार्किंग यहाँ पर मार देता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस मार्किंग को यहाँ पर मार लिया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसको हम काट के अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कैंची से इसे काट करके अलग कर लें। दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो रॉड के मार्किंग के हिसाब से ही है, जितनी इसकी मार्किंग थी इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब जो है कि मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि सिंपली आप लोगों के सामने काट दे रहा हूँ, इसके बाद जो है कि आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस कागज के टुकड़े को काट लिया है, लेकिन दोस्तों अभी काम समाप्त नहीं हुआ। अब चूंकि हमें मिलान किस में करना है, इसी पाइप में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कागज को थोड़ा सा इस तरह से लपेटेंगे, इसमें थोड़ा सा इस तरह से लपेटेंगे ये कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जब मैं लपेट रहा हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ कि जो कागज का फोल्डिंग है, यहाँ पर देखिए एक उभरा हुआ है एक यहाँ, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग मार लेनी है, जहाँ पर मतलब कि ये टच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं मार्किंग मार लेता हूँ जहाँ पर एक कागज का टुकड़ा टच कर रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ। तो जो टच कर रहा था दोस्तों, जाहिर सी बात है पूरा लपेटने के बाद इतना भाग एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना भाग, तो हम क्या करेंगे कि इस भाग को काट देंगे सिंपली। तो दोस्तों इसको एकदम सीधा मतलब फोल्ड करके काटना है, ऐसा नहीं कि जैसे किसी भी तरह से आप फोल्ड कर दें और काट दें, मतलब कि दोस्तों एकदम सीधा मतलब कि फोल्ड होना चाहिए। फोल्ड करके पहले इस एक्स्ट्रा भाग को हम काट करके निकाल देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो तू कट के निकल जा भाई। तो ये आपका कट के निकल गया।
अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अब जाहिर सी बात है जब अब आप इसे लपेटेंगे ना तो ये अच्छी तरह से पूरा लपेटा जाएगा इसमें और अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिल जा रहा है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो कागज का टुकड़ा है इसको हमें चार भाग में फोल्ड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर मिला करके सबसे पहले मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए। अब जब एक बार हो गया तो अब इसे फिर एक बार इसी तरह से अच्छी तरह से मिला करके यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, कुछ इस प्रकार से मिला करके कुछ इस प्रकार से कर लेना है। तो दोस्तों अब ये मैंने कर लिया ताकि ये जो है कि अच्छे से इस पर मार्किंग मारी जा सके। तो दोस्तों अब क्या करना है कि इसे अच्छी तरह से खोल लेना है सिंपली। देखिए अब ये क्या है कि चारों जैसे बराबर भाग में बट गया है। तो अब क्या करना है कि स्केच से जहां जहां मार्किंग आ रही है वहां पर थोड़ा सा एक डीपली मार्किंग मार लेना है। मैं मार ले रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आ सके। तो यहां पर दोस्तों देखिए मैं सिंपली यहां पर मार्किंग मार लेता हूं, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अब इसमें इस कागज जैसे जो पाइप मतलब कि जिसमें लगाना है उसमें इस तरह से लपेट करके अच्छी तरह से कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से लपेट करके हमें क्या करनी है कि चार मार्किंग इसमें मार लेनी है। तो दोस्तों उसके लिए मैं मार्कर का प्रयोग करूंगा ताकि मार्किंग आपको अच्छे से नजर आ सके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक मार्किंग हो गई और इसके बाद दोस्तों दूसरी मार्किंग आपकी यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर मार लेता हूँ, ठीक, इसके सीधा में यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों तीसरी मार्किंग इसकी आपकी देखिए यहाँ पर आ रही है जहाँ पर मतलब कि ये चिपक रहा है, जहाँ पर चिपके वहाँ पर भी आपको मार्किंग मारना है। तो एक मार्किंग आपकी यहाँ आ गई और उसके बाद एक मार्किंग चौथी वाली आपकी यहाँ आ गई दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए चार मार्किंग इसकी हो गई, आपको हो सकता है कि नजर आ रही होगी यहाँ पर। देखिए एक मार्किंग है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। तो अब दोस्तों क्या करना है कि चूंकि आपने इस पर तो मार्किंग मार लिया लेकिन अब इस कागज को क्या करना है कि ठीक है इसके लेबल में एकदम चिपकाना है। अब चूंकि वहां पर तो हमने यहाँ पर इतना दूर पर रख करके मार्किंग मारा था लेकिन अब इसको ठीक यहाँ पर चिपका लेना है एकदम लेबल में। लेकिन चिपकाते समय एक बात और ध्यान देना है कि कोई भी चीज मार्किंग पर एकदम सटीक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग मारा है और कागज पर जो मार्किंग मारा है उसके ठीक यहाँ समीप होना चाहिए, एकदम सटीक उस पर मतलब होना चाहिए। फिर इसके बाद वहां पर आगे करके आप जो है कि इस पर मार्किंग मतलब देखिए कुछ इस प्रकार से मारे। देखिए यहाँ पर जो मैंने मार्किंग पहले का मारा था तो यहाँ पर देखिए मैंने मिला लिया है, ये जो है इसके ठीक सामने होना चाहिए तो कुछ इस प्रकार से ये इसके सामने हो गया, ठीक। अब दोस्तों क्या करना है कि अब चूंकि अब इधर तो एकदम लेबल में हो गया है, अब तो इधर एकदम लेबल में, अब ठीक जो है कि एक मार्किंग इसी के सीध में यहाँ पर मार लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो मार्किंग नजर आ रही है ना यहाँ पर एक मार्किंग मार लेना है यहाँ पर दोस्तों। अब चूंकि मैंने ये जनाए इसके लिए मार लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पर डीपली कर देता हूँ दोस्तों। दूसरी मार्किंग जो थी वो यहीं पर आ रही थी, ये यहीं पर दोस्तों ये मतलब कि दोस्तों एक मार्किंग कुछ इस प्रकार से मार लेनी है। अब दोस्तों जहां पर मार्किंग मारी गई है ये, तो अब क्या करना है कि चूंकि मैंने इसके सीध में यहाँ पर मिलाया था तो अब दोस्तों क्या करना है कि उस कागज के टुकड़े को जिसे आपने जैसे काटा था उसे यहाँ पर इस मार्किंग के पास मिलाना है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये कुछ इस प्रकार से इस मार्किंग के पास मिलाना है। यहाँ पर मिलाने के बाद इसको मोड़ते मोड़ते दोस्तों दूसरी मार्किंग के पास ले जा करके सटाना है, दूसरी मार्किंग के पास बगल में मतलब कि इसके बगल में चिपकाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैंने बगल में मतलब यहाँ पर मार लिया। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये जैसे दोनों आपस में सटना चाहिए बरोबर एकदम। देखिए जैसे यहाँ पर ये मार्किंग है, यहाँ पर जो मार्किंग है यहाँ पर आ रहा है इसका, तो अब ये क्या है कि अब दूसरा जो है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब दोस्तों क्या करना है कि इसी पर दबा करके जैसे मार्किंग मार लेनी है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों एक मार्किंग ही हो गई। अब दोस्तों जिस तरह से हमने कागज के टुकड़े को इधर सटा करके मार्किंग मारा था ठीक, अब इधर भी उसी तरह से करना है। यहां पर भी जैसे कागज के टुकड़े को किस इस प्रकार से करके यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से करके फिर इधर भी मार्किंग मार लेनी है और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से सटा करके देखिए ये हो गया ना, इस मार्किंग के पास चिपक गया और ये जो है कि ये इस मार्किंग के पास चिपक गया। तो अब फिर से जैसे हमें एक मार्किंग इधर से भी मार लेनी है तो यहाँ से भी चलिए मैं एक मार्किंग मार लेता हूँ।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इधर से एक मार्किंग, मतलब जो पहले की मार्किंग मारी गई थी दोस्तों उसी पर मिला करके मैंने एक मार्किंग इधर से मार लिया है, अब एक मार्किंग इधर से मार लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि इसे पाइप को काटने से पहले, ये देखिए कोना में थोड़ा सा डीप आ रहा है, तो इससे ठीक दो, जैसे कि दो सूत के आसपास, मतलब दो सूत आगे बढ़ करके, दो सूत का मतलब आप जानते होंगे करीब करीब आपका 8 mm के आसपास, 5 mm के आसपास, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ के अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से 5 mm थोड़ा सा आगे, 4-5 mm थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको कुछ इस प्रकार से मिला लेना है। और दोस्तों ये जो कोना वाला भाग है इसे नहीं काटना है, अब इधर का ही सारा भाग काटना है, मतलब इसको छोड़ देना है, अब ये भाग जो है कि ये पूरा काट देना है। तो पहले दोस्तों मैं काट करके इसे आपको दिखाता हूँ, तो चलिए मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है कि मार्किंग से यहाँ थोड़ा सा काट दिया है यहाँ पर। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं पहले इसे चिपका करके देखता हूँ कि ये चिपक जा रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए जो मैंने काटा था यहाँ पर, देखिए कितनी बरोबर तरीके से चिपक रहा है, आप लोगों को देखिए नज़र आ रहा है। ये दोस्तों पहले ही प्रयास में देखिए ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कोना कोना अगल बगल का ये निकला हुआ है, ये जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तो हम क्या करेंगे इसे ग्राइंडर से थोड़ा सा घस देंगे। तो चलिए मैं आपके सामने इस भील से जैसे कि इसे घस करके अभी आपको दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी अभी जैसे इसे घसा है, मतलब ये जो कोर निकल रहा था दोस्तों उसे मैंने घस दिया है। अब जरा मैं आपके सामने इस पर लगा करके दिखाता हूँ कि ये चिपक गया अच्छी तरह से कि नहीं। दोस्तों मैं इस पर लगा दिया, तो दोस्तों ये देखिए आपको नजर आ रहा है दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये चिपक गया है। थोड़ा सा मैं घुमा करके राउंड राउंड भी दिखा दे रहा हूँ, स्टील है ना सो थोड़ा सरकता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से मैं घुमा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जैसे ये चिपक गया है, ये देखिए। अब दोस्तों जरा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि मतलब ये इस डिग्री में अच्छी तरह से आ गया कि नहीं। तो इस पाइप को जैसे था वैसे रख देते हैं और इसको पहले यहाँ पर रख लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों जरा सा देखते हैं कि इसकी डिग्री अच्छी तरह से कटी है कि नहीं। तो पहले अब हम इसको पाइप को थोड़ा इसमें लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद, ठीक है, अब हम जरा से जब इसे लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए आपका एकदम पूरा बरोबर हो गया, मतलब ये जो जैसे अच्छी तरह से चिपक भी गया है यहाँ पर, और ये देखिए इसकी डिग्री भी अच्छी तरह से आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो समझाया वो ट्रिक आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसी रही आज की ट्रिक, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस ट्रिक में मैंने जो भी कुछ बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो ट्रिक मैंने बताया ये 2 इंची के पाइप में बताया है। दोस्तों आप तो जानते हैं कि जब आप लोग सीढ़ी का रेलिंग लगाते हैं तो उसमें जो पिलर होता है वो 3 इंची का होता है और जो पाइप होती है उसमें 2 इंची का लगाया जाता है। तो दोस्तों उसकी भी डिग्री कुछ इसी प्रकार से निकाली जाती है, कुछ यही फार्मूला काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा शेप चेंज होता है। अगर आप उसके बारे में भी पूछेंगे तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों यदि आप फैब्रिकेशन का नया दुकान खोलना चाहते
जाते हैं, तो उसमें जैसे कौन कौन सी लाइसेंस लगती है, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती है, और जैसे कि जो मटेरियल आप लोग लाते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल शामिल होती है, और जैसे कि उस मटेरियल का प्राइस क्या होता है, और आप जैसे अपने दुकान पर बना करके ग्राहक को किस प्राइस में देते हैं, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो शो रहा है, इसमें मैंने सारी जानकारी दी है। और हाँ दोस्तों, यही नहीं, मैंने आपको बताए हैं कि यदि आप फैब्रिकेशन के धंधे को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे चार कौन से बिजनेस जोड़ेंगे जिससे आपका फैब्रिकेशन का बिजनेस काफ़ी बेटर चलेगा, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे नए वाले चैनल पर चले जा सकते हैं जिसका नाम है डिजिटल बिजनेस, उसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।